अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका रिवाइज्ड डेट शीट आ चुका है, चाहे आप 11th सॉफ्ट जोन के हो, 10th 11th 12th हार्ड जोन के हो, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको कल ही एक ऑडियो भेजा था ग्रुप्स में, राइट, उसमें मैंने बताया था मे बी आपका रिवाइज्ड डेट शीट आ सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप कि अब समझ में आ गया होगा कि मैं कितनी ऑथेंटिसिटी के साथ आपको अपडेट्स दे देता हूं। एंड बहुत बच्चे बता रहे हैं, आपने शॉर्ट वीडियो में बताया था कि इस डेट शीट में एरर है, अब आप सेम चीज अपलोड कर रहे हो, आपने वो शॉर्ट वीडियो डिलीट क्यों की? देखो भाई, वो शॉर्ट वीडियो करेक्ट थी, इस डेट शीट में एरर था। अब आप बताओ कि कहां पे एरर था? जो वो डेट शीट थी, पुरानी वाली डेट शीट जो पहले आपको सर्कुलेट हो रही थी, उसमें आपका जो 11th सॉफ्ट जोन की टाइमिंग थी ना, वो था 10 AM। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो मैंने फिर रिवाइज्ड डेट शीट आपको मैंने भेज, जो मुझे ऑफिशियल्स ने बोला कि हमने वो विड्रॉ करके अब हमें दूसरी डेट शीट भेजनी है, तो ये जो दूसरी डेट शीट है जिसमें वो एरर था, वो टाइमिंग में था, पहले 10 AM था, अब यहाँ पे आप देख सकते हो 1 PM है इवनिंग शिफ्ट। बट जो डेट्स है वो सेम ही है, जैसा कि आपको 2 अप्रैल को इंग्लिश का पेपर है, फिर 6 को जियोग्राफी का, फिर 8 को केमिस्ट्री। इस डेट शीट में कुछ चीजें अच्छी भी हैं, कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा घटिया है, वो अगर मैं बताऊं, देखो अच्छी चीज ये है कि आपको पहले बायोलॉजी में एक दिन मिल रहा था, लेकिन अब अगर हम यहाँ पे देखें ऑलमोस्ट आपको एक हफ्ता मिल रहा है, बिकॉज 15 को फिजिक्स का पेपर है एंड देन बायो आपका 22 को है, ठीक है। जहां पे एक दिन था वहां पे अब 5-6 दिन एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट अगर बात बताएं, जो घटिया चीज मुझे लगी वो ये है कि 6 अप्रैल को आपका इंग्लिश का पेपर था, उसको पहले लाया गया है, मतलब 2 अप्रैल को ही आपका इंग्लिश का पेपर है। अगर किसी ने प्लानिंग की थी कि हम 1 अप्रैल से पढ़ेंगे, तो उसको अभी के अभी, मतलब अभी, मतलब वो वीडियो बंद करके आपको पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको कुछ नॉइज वॉइज आ रहा है तो उसको इग्नोर करें अभी, ठीक है। तो फिर अगर और एक चीज घटिया चीज बताएं, वो ये है, एडिशनल का पेपर 28 को है एंड मैथमेटिक्स का पेपर 29 को है। मतलब अगर आप आज एडिशनल का पेपर दे रहे हो, कल आपका मैथमेटिक्स का पेपर है, उस चीज को हम साइड में रखते हैं। लेकिन उसमें एक चीज ये भी इनने रखी है, नॉन मेड वालों का ही, पीसीएमबी वालों का ही मैथमेटिक्स होगा। तो अगर हम नॉन मेड वालों की बात करें, फिजिक्स 15 को है, देन आपका 28 को एडिशनल है एंड उसके बाद 29 को मैथमेटिक्स है। आपको ऑलमोस्ट 12 से 13 दिन मिल रहे हैं फिजिक्स और एडिशनल के बीच, जहां आप मैथमेटिक्स भी प्रिपेयर कर सकते हो और आपका एडिशनल भी प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो रही डेट शीट की बात। अब मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों से कि अब इस डेट शीट से कोई भी वो गिले शिकवे नहीं रखना, बिकॉज नथिंग इज गोइंग टू हैपन। ये सब जो हो रहा है ना, ये इलेक्शंस की वजह से हो रहा है, इसमें जेके बोस वालों का भी कोई कसूर नहीं है। तो बस ये दिमाग में रखो, अब जो ये डेट शीट है, पुराना वाला दिमाग में कंट्रोल प्लस डी कर दो, मतलब डिलीट कर दो, लेकिन ये जो रिवाइज डेट शीट है इसी के अकॉर्डिंगली अब आप अपनी सारी प्रिपरेशन प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 अप्रैल को आपका इंग्लिश का पेपर है, सो लग जाओ काम पे, इंशाल्लाह हो जाएगा। देखो इंग्लिश इज नॉट ए बिग डील, ओके, अभी भी आपके पास 5 दिन है, 5 दिन में आराम से हो जाएगा इंग्लिश। आपने अगर ये सोचा था 1 अप्रैल से करना है, तो 1 अप्रैल की जगह आप 28 मार्च से स्टार्ट करो, 5 दिन दे दो, आराम से हो जाएगा। एंड मुझे लगता है ये चीज होने की वजह से मे बी आपको जेके बोस लीनियंसी प्रोवाइड कर सकता है, चाहे वो आपके वो चेकिंग में, मैं बता रहा हूँ खासकर, मे बी उसमें आपको लीनियंसी मिल जाए, बिकॉज इट्स ऑब्वियस कि ऐसे अचानक से रिशेड्यूल होना तो ये इम्पैक्ट डाल सकता है एक बच्चे की मेंटल हेल्थ पे, राइट। तो बाकी मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बोले, चाहे आपको अभी तक कैसा भी कंटेंट मिला हो इस चैनल पे मेरे थ्रू, चाहे वो अपडेट्स हो, चाहे वो स्ट्रेटजीज हो, मोटिवेशनल वीडियोस हो, तो आप 10 की स्केल में उसको क्या रेटिंग देना चाहेंगे? बिकॉज मेरी भी यही प्रायोरिटी होती है कि आपको ऑथेंटिक अपडेट्स मिले। मुझे पता है यहाँ चाहे किसी के कितने भी सब्सक्राइबर्स हो, बट मेरा जो इन्फ्लुएंस है बच्चों पे, वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पता है कि कितना ज्यादा है। बाकी मुझे अब ये चाहिए कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जितने भी क्लास 11th के बच्चे हैं जिनने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको ऑथेंटिक अपडेट्स विद इन नो टाइम मिले, और साथ ही साथ आपको स्ट्रेटजीज, मोटिवेशनल वीडियोस, वो सब एक ही चैनल पे मिल जाए, ठीक है। तो बाकी हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।